mytr.com। विश्वास वही रफ्तार नई। यूपी मत्स्य विकास मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का निरीक्षण कर मत्स्य पालन की नई टेक्नोलॉजी व गुणवत्ता को परखा। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा एक नई टेक्नोलॉजी के साथ मछलियों को कैसे पहचाना जा सकता है इसका इजाद किया है, जिसमें अब मनुष्य की तरह मछलियों का भी आधार कार्ड बनेगा और उस आधार कार्ड के जरिए मछलियों की पहचान की जाएगी। मैं अपने को बहुत गौरवान्वित हूँ, उत्तर प्रदेश भी गौरवान्वित है और माननीय प्रधानमंत्री को भी इस मामले में हम धन्यवाद दूंगा कि देश में जो नौ हमारे लिए इस मत्स्य संपदा के लिए, मछुआरों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए जो नौ रत्न हैं, उसमें से विद्या को रत्न कहते हैं इस युग में। नौ रत्न में एक रत्न यहाँ भी दे रखा है लखनऊ में, और इस रिसर्च सेंटर के सभी साइंटिस्टों को, उनके कर्मचारियों को, उसमें जितने भी लोग हैं उन्हें बधाई देता हूँ कि बहुत सुंदर ढंग से इसे सजाया भी है और इन्होंने काम भर कर रखा कि कहीं से कोई फेल्योर न हो। और इन्होंने, मैंने आज टेक्नोलॉजी देखा कि मानव का तो आधार कार्ड है लेकिन मछली का भी आधार कार्ड है कि किस नदी से है, उसमें कोई फॉल्स न होने पाए। तो ये इस टेक्नोलॉजी को मैं बधाई दूंगा और इसको धरातल पर ले जाने के लिए इनका सहयोग लूंगा और जो विभाग मेरा है वो मैं इनसे टाई अप कराऊंगा और विभाग को यहाँ से दोनों मिलकर संचालित करेंगे, जिससे कि मत्स्यपालकों को यहाँ इसको आंध्र प्रदेश बनाया जा सके। अनुमोदन बना लीजिए सर, इसके लिए आगे भी जो है निश्चित रूप से इसमें जो भी कुछ होगा लिखा पढ़ी करूँगा। दूसरे दिन आऊँगा यहाँ और ये यहाँ तो बच्चों के लिए, लोगों को देखने का स्थान है, सीखने का स्थान है और ये बहुत गौरव का विषय कि यहाँ साइंटिस्ट पैदा किए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में और उसका केंद्र बना रखा है। और निश्चित रूप से यहाँ हर एक चीज़ है कैसे हम इसे विकास कर सकते हैं। अब हमें आज पूरा विश्वास हो गया कि जो सोच हमारी है मुख्यमंत्री जी की है कि हम इसे आंध्र प्रदेश बनाना है, तो आंध्र प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ खुद ही है PhD पैदा करेंगे, निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश बन जाएगी। एक साल के अंदर उसे धरातल पर ला दूँगा। चलिए ठीक है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।